Friends, a very warm welcome to Ansarkari, your own creative and mindful platform. Today we are taking up a very important topic that is Wildlife Protection Act, 1972. I am your friend, Vikas bhartwaj Wildlife Protection Act, 1972, talks about protection of such species of wildlife which are very critical. For our ecosystem, and they are very important for sustainable development. Not only that, India had a long tradition of protecting wildlife since ancient times, but given the exigencies and the preoccupation with other developmental initiatives, and also what a new nation looks forward to, the act came into being in 1972. And a very important role was played by Honorable Former Late Prime Minister Indira Gandhi. So it was enacted by the Indian Parliament and it is providing for the safeguard and protection of wildlife, flora, and fauna in the country. Yani ki jagat janani hai, hamari ke A important legislation or aur ye integral part hai, environment and ecology. Ka. ट मींस इंडिया में चाहे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो और वी आर टॉकिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ माइनिंग और फॉर दैट मैटर एनी काइंड ऑफ एक्सकबिटेशन वी कैन नॉट साइड लाइन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इनवायरमेंट प्रोटेक्शन और उसकी क्लियरेंस मैंडेटरी है अप टू अटन एक्सटेंट इन मेनी केसेस कहने का तात्पर्य है प्रोटेक्शन होगी कंट्री के वाइल्ड एनिमल्स की बर्ड्स की प्लांट स्पीसीज की इन ऑर्डर टू इंश्योर एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल सिक्योरिटी उसके लिए टेंजिबल और मीनिंगफुल एफर्ट्स किए जाएंगे अब जैसे कि एग्जाम्पल लीजिए मैं आपसे पूछता हूं नागालैंड में अगर माइग्रेटरी स्पीसीज आते हैं एंड दे आर कमिंग फ्रॉम साइबेरिया बहुत फेमस है लेटर स्टार्ट विद ए एंड स्टार्ट विद एफ पूरा नाम उसका अमूर फॉल्कन जैसे है इफ लोकल पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हंटिंग इट फॉर मीट और यू कैन से फॉर पर्पसेस देन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कम्स देयर प्रोटेक्शन या फिर कोई विनेमस या नॉन विनिमस स्नेक गलती से खेतों में आ जाता है हैबिटेशन में आ जाता है देन ऑल्सो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कम्स टू द प्रोटेक्शन चाहे फिर वो स्मगलिंग हो सुपरस्टिशंस के कारण टाइगर हेड को बिहेड करना हो या किसी मंदिर में पुराने समय में हाथी के अस्थि पंजरों का पाया जाना हो और या फिर किसी भी स्पीसीज का इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग हो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इन होता है रिस्ट्रिक्शंस हैं इसके अंदर हंटिंग के लिए और गैदरिंग के लिए अमेंडमेंट हुआ था 2006 में, that is 2006, में, in 2013 और वो रेफर किया गया select standing committee को, लेकिन विद्रॉ कर लिया गया 2015 में। क्यों दो कर लिया? किसका रोल है किसकी जिम्मेदारी है इसको प्रोटेक्ट करने की क्या सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट और या फिर स्टेट गवर्नमेंट भी है मेनी स्टेट गवर्नमेंट से आर ओनली हैविंग वर्बल पावर दे आर नॉट है ग्राउंड बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड ऑब्वियसली इन कंसल्टेशन विदेट गवर्नमेंट लेकिन किसी एरिया को नेशनल पार्क को या बायोस्फेर रिजर्व को या फिर कंजर्वेशन जोन को कम्युनिटी रिजर्व को कितना बढ़ाना है कितना घटाना है क्या बफर जोन क्रिएट होना चाहिए बफर जोन वेरी इंपॉर्टेंट टर्म बफर जोन जैसे कि आप मैकडोनल्ड का जब बर्गर खाते हैं तो उसके बीच में दफ, जो फीलिंग है वो उसका बफर है इसी तरह से हमारी वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए भी बफर होना चाहिए ताकि ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की गुंजाइश कम हो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जानबूझ नहीं होता है हाथी को शौक नहीं है कि वो इंसानी

Why it was done in what circumstances. Article 51A, part of fundamental duties, again, it is saying that to protect and improve the natural environment, including forests, lakes, rivers, and wildlife. So, Namami Gange, or otherwise, also other conservation plans and programs for. Uh, Purification and cleaning of rivers is definitely linked with the wildlife protection also. So, Article 21, right to clean environment, Supreme Court and Judiciary at all levels they have been proactive and supportive of actions. That is how came into picture. National Green Tribunal. Namiya Uska, National Green Tribunal, Rashtriya Harit.

their habitat must be protected. A second law was enacted in 1912 that was called Wild Birds and Animal Protection Act. उसको amend किया गया 1935 में और बाद में उसको pass भी कर दिया गया। यानी कि भारत जो कि one of the mega diversity hotspots है, एक concept होता है mega diversity और hotspot भी है India। दोनों आप check कीजिएगा। We will be talking about them separately. That makes India a very very critical part of the whole setup.

वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या कर रहा है वो प्रोटेक्ट कर रहा है लिस्टेड स्पीसीज हमने लिस्ट बनाई एनिमल्स की बर्ड्स की प्लांट्स की और हमने एक इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट पूरा एक एरिया क्रिएट कर दिया पूरे इंडिया इसीलिए एक्ट क्या बनाता है वाइल्ड वाइल्ड लाइफ लाइफ एडवाइजरी और उनके स्पेसिफिक पावर्स और ड्यूटीज होते हैं सलमान खान का नाम तो आपने सुना ही होगा सो ही वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व एक्चुअली ब्रेकिंग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लॉ दैट इज वाई उन पर केस हुआ था इंडिया ने ज्वाइन किया कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इनको एंड ऑबली डब्ल्यू डब्ल्यू एफ इज वेरी मच एक्टिव एंड क्रिटिकल इन इंडिया नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन सेवन टू विल्प इन क्रिएटिंग ए लिस्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव जर्ड वाइल स्पीसीज और एक्ट प्रोहिबिट करेगा शेड्यूल्ड एनिमल्स भी होंगे, जो होंगे उनको ट्रेड नहीं किया जा सकता एक तरीके से साइंटिफिक क्रिटिकल क्लासिफिकेशन कर दिया गया नाउ बात उठती है कि जो भी आपकी वाइल्ड लाइफ या जो भी आपकी नेशनल पार्क बनेंगे

फॉर एग्जाम्पल शेड्यूल यानी वो आएंगी इंडेंजर स्पीसीज आएंगी हार्श पेनल्टी होगी हंटिंग अलाउ नहीं होगी ट्रेड प्रोहिबिटेड होगा टाइगर ब्लैक बर्क हिमालय ब्राउन डियर ब्रॉ ब्रो डियर ब्लू वेल कॉमन डॉल्फिन चीता क्लाउडेड लेपर्ड हॉर्नबिल इंडियन गेजेल एंड मेनी अदर्स ये सब शेड्यूल वन मोस्ट क्रिटिकल दैट मीन्स टच मी नॉट काइंड सिमिलरली शेड्यूल टू इसकी पेनल्टी भी हार्श होगी हंटिंग अलाउड नहीं होगा ट्रेडिंग प्रोहिबिटेड होगी जैसे कि असमीस मकॉक बंगाल हनुमान लंगूर लार्ज इंडियन सिवेट इंडियन फॉक्स, लार्ज कश्मीर शेड्यूल थ्री एंड फोर ये इंडेंजर नहीं होंगे पेनल्टी भी फर्स्ट टू के मुकाबले कम होगी हंटिंग भी अलाउड नहीं होगी जैसे इसमें हाइना हिमालयन रेड फ्लाइंग फॉक्स यानी आप देखेंगे एक हमने सो द क्वेश्चन इज दैट यू मस्ट नो कौन से एनिमल कौन सी लिस्ट में आ रहे हैं मोस्ट क्रिटिकल मोस्ट पॉपुलर बींग इन द न्यूज फ्रॉम कॉमन सेंस यू मस्ट नो सो दैट एग्जामिनेशन में आपको तकलीफ ना हो शेड्यूल फाइव में है हंटिंग इज अलाउड माइस रैट कॉमन क्रोफ फूड बैट ये सब आपके लिए अलाउड है इसका मतलब लेकिन ये नहीं कि इंडिस्क्रिमिनेट किलिंग विल बी देयर देन ऑल्सो स्टेट हैव द राइट्स टू इंटरवीन लेकिन होता क्या है होता है इलीगल स्मगलिंग Illegal activities continue. It is continuing from different perspectives. Sometimes it is done from the perspective of getting medicines, sometimes from the perspective of making certain ornaments. Sometimes it is done from the perspective of trophy, Mary pas. and that is how a large amount of wildlife is being destroyed. आपको उनको लगाना मना है क्योंकि वो इंडिस्क्रिमिनेटली ग्रो करते हैं वो फर्टाइल लैंड को खा जाते हैं, वो invasive species को promote करते हैं। जैसे पिचर प्लांट ब्लू वाणा रेडा कुथ एंड सो ऑन दीज नेम वी शुड नो सो दैट वी नो दैट थिंग्स विल बी इनडिस्क्रिमिनेटली रॉन्ग इफ यू प्रोट अगर हम बात करें नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की जो स्टेटरी बॉडी की तरह क्रिएट किया गया और अगर हम बात करें नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो भी अथॉरिटी so दोनों का ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल है दोनों के अंदर ही देखा जाता है कि किस तरीके से होगा एनी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट दे पार्ट ऑफ इट एन टी सी एंड नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ अगर हम बात करें आर द टाइप्स ऑफ एरिया एक वर्ड होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दैट उसमें एक इकोलॉजिकली सेंसिटिव और आप कह सकते हैं ए ब्रॉड एरिया विल बी केयर हर तरीके का जानवर रहेगा इन ए पीसफुल एन्वायरमेंट विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन अगर किसी तरीके का टूरिज्म अगर किसी तरीके का ह्यूमन इंटरवेंशन हैबिटेशन एंड इवन गैदरिंग ऑफ माइनर प्रोड्यूस इज अलाउड इज डन इन वेरी वेरी सेलेक्टेड एंड स्ट्रिक्ट आप कह सकते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जैसे एग्जाम्पल सोचिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की एंड इफ आई से इंडिया लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सो आपके में दिमाग में आना चाहिए रन ऑफ कच्छ है ट इज द लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्मॉलेस्ट भी है स्मॉलेस्ट इज ऑल्सो इन महाराष्ट्र आप कह सकते हैं बोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी द स्मॉलेस्ट वन इज इन महाराष्ट्र सिमिलरली नेशनल पार्क शब्द क्या आया यहां पर राष्ट्रीय पार्क नेशनल पार्क सो नो ह्यूमन एक्टिविटी नो ह्यूमन इंटरवेंशन नो हंटिंग नो हैबिटेशन कुछ अलाउड नहीं होगा लेकिन जो ऑलरेडी सदियों से जो कम्युनिटीज रह रही है उनके लिए सोचने का विषय है

उनको भी अधिकार है बट इन ए वेरी वेरी लेजिटिमेट मैनर जब हम बात करते हैं नेशनल पार्क की सो लार्जेस्ट नेशनल पार्क इज इन जे एंड के कैन यू गेस द नेम गॉट एट राइट हरमीस नेशनल पार्क हरमीस और सिमिलरली स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क की यदि हम बात करेंगे तो वो आएगा आपका साउथ बटन नेशनल पार्क कहां है आई लीव इट अप टू यू गो एंड चेक इट साउथ बटन नेशनल पार्क अब हम बात करते हैं कंजर्वेशन रिजर्व्स की यानी क्यों जरूरत पड़ी कंजर्वेशन रिजर्व की भाई हमने नेशनल पार्क बना दिए हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दी तो क्या आप उसके चारों तरफ दीवार खड़ी कर देंगे क्या अचानक से आप टाइगर को बोल देंगे अचानक से आप हाथी को बोल देंगे भाई ये तेरी limit, ये तेरी तेरी लिमिट है है बाउंड्री इसके बगल में जो प्लॉट है वो मेरा है दैट इज वाई यू कैनोट गो देर एंड ऑल्सो वी आर नॉट गोइंग टू कंट्रोल एंड रिस्ट्रेन एनी काइंड काइंड ऑफ ऑफ इकोनॉमिक एंड एनी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सो वी नीड टू क्रिएट अ बफर जोन एक बड़ा एरिया जो कि लोकल कम्युनिटी की सहमति से रिजर्व किया जाना चाहिए उसे हम कहेंगे कंजर्वेशन रिजर्व जैसे पंजाब की यदि हम बात करें तो छांब इन गुरदासपुर इज एन एग्जाम्पल ऑफ दैट वो भी कम्युनिटी रिजर्व है और कंजर्वेशन रिजर्व भी है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकती है किसी प्राइवेट ही लैंड को कम्युनिटी रिजर्व जो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है फॉर एग्जांपल, गोगा बील कहा है गोगा बील गोगा बील इज एन ऑक्स लेक जो कि बिहार में है गो एंड चेक आउट बीन है ऑल्सो बीन डेजिग्नेटेड कंजर्वेशन रिजर्व सो अगर हम बात करें इंडिया में 2019 में कंजर्वेशन रिजर्व कितने होने चाहिए अंदाजा सो देर आर अबाउट 88 कंजर्वेशन Corona has given us a warning. You can increase the conservation reserves and also community reserves because, unfortunately, we are not interested in increasing. Unfortunately, I am saying, and I may not be sounding rude, I am sorry if it is so. We do not want to increase cremation grounds. We want to increase conservation reserves. We want to increase community reserves, but not cremation grounds. So, we have to protect wildlife.

Check out the state Nagar salam is one of the largest tiger reserves its very important ones and you can say that it is very very important that they must be protected so commercial exploitation nahi hona outside intervention nahi hona and Environment Protection Act in the amended form is not giving any exemption to those activities. जिनको पहले वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से परमिशन लेने की जरूरत थी उन्हें अभी भी परमिशन लेने की जरूरत है दैट इज वी आर सो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इज द लाइन नॉट ओनली फॉर फ्लोरा एंड फोना बट फॉर इंडिया एज सच स्टेट गवर्नमेंट्स का एक्टिव रोल होना चाहिए ब्यूरोसी ऑल्सो प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन टेकिंग अपी मस्ट सेट असाइड असर्ट इन इट there must be awareness and scientific programs. obviously, sath use modern science and technology be used. and we must get the best practices across the world. there are many, many important and meaningful practices which are being implemented in europe, america, and obviously in africa also. india must remember that wildlife is the core of it. सर्टेन काइंड ऑफ एनिमल्स आर इन डेंजर कभी हम पढ़ते हैं एलिफेंट्स के बारे में कभी हम पढ़ते हैं घड़ियाल के बारे में कभी हम पढ़ते हैं वन हॉर्न राइनासोरस के बारे में कभी हम पढ़ते हैं नीलगिरी टहर के बारे में कभी हम पढ़ते हैं लाइन टेल मका के बारे में और कभी हम पढ़ते हैं वल्चर्स के बारे में सो ऑल दिस इज पार्ट ऑफ आवर फ्लोरा एंड फोन Which we must be proud of, which we must protect. So, if you read passionately once or twice, I am sure you will be able to make a note of it that what actually it takes. And its understanding is very important because it is part of examination in so many ways. Wishing you all good luck for studying because that is the first and primary part. Nobody can do studies instead of you. And there is no shortcut to success. Like the way we are ingraining the key ingredients for success at the topmost level. We welcome you for any interaction or any kind of suggestions and questions. Thank you very much.